हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक के बात करने वाले हैं, जो कि है काशिमा पोर्ट ऑफशोर विंड फार्म। एंड ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज ये जापान का लार्जेस्ट विंड फार्म है। एंड इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टू द वेरी लास्ट। सबसे पहले ना इस विंड फार्म का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको पता लग जाए एक बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये वाला जो विंड फार्म है, ये लोकेटेड है इबाराकी प्रीफेक्चर्स में, एक सिटी है जिसका नाम है कामिस। दिस विंड फार्म इज लोकेटेड एट दैट प्लेस। एंड जो कामिस सिटी है वो है लोकेटेड टोक्यो से 1 आवर के डिस्टेंस पे। जापान में जो सबसे पहला विंड फार्म था वो कंस्ट्रक्ट करा था होकाइडो में। होकाइडो माना जाता है स्नोफॉल के लिए, एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो उसके लिए वो काफ़ी फेमस है। फर्स्ट वहाँ पर बिल्ड करा गया था। सेकंड जो विंड फार्म का प्रोजेक्ट वो बिल्ड करा गया था क्यूशू में। एंड जो थर्ड नंबर पे जो विंड फार्म बिल्ड करा गया था, वो बिल्ड करा गया था इबाराकी प्रीफेक्चर्स में, यहाँ पर जहाँ हम देखने आए हैं। एंड आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट, जापानीज जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड ये करा था कि कामिस प्रीफेक्चर्स में हम सबसे बड़ा जापान का विंड फार्म बिल्ड करने वाले हैं। यार इस एरिया में ना 50 से ज़्यादा विंड मिल लगे हुए हैं, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द बिगेस्ट विंड फार्म हियर इन जापान। उसके अलावा ये जो विंड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, जापान ने रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जब जनरेट करना शुरू करा था, उससे पहले जापान जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट करता था फॉसिल फ्यूल से या फिर न्यूक्लियर पावर यूज़ करता था टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट आफ्टर सीइंग कि हाँ भाई ये वाला विंड प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है, जापान ने डिसाइड करा कि और ज़्यादा लार्ज स्केल पे ये बिल्ड करेंगे ऐसे और प्रोजेक्ट्स को, ताकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। एंड आपको ये चीज़ जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, जो यहाँ पर कामिस सिटी में जो इन्होंने विंड फार्म बनाया है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मोर देन 21,000 होम्स एंड बिजनेसेस एंड अदर फैसिलिटीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है यार। आजो नीचे चलते हैं वहाँ चल के, और आपको इसके बारे में यूनिक चीज़ें बताता हूँ, तो आजो। यार ये वाली जो जगह है ना कामिस, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट प्लेस भी है। जस्ट नेक्स्ट टू दिस विंड फार्म्स आगे जाके ये बीच है, जहाँ पर काफ़ी जापनीज आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं इंजॉय करने ड्यूरिंग समर टाइम। एंड एक बारी अगर आप पीछे देखेंगे तो साइड पे ना ये वाली रोड के कार्स खड़ी हुई हैं कुछ, तो जापनीज जो पीपल हैं वो अपना इंजॉय करने यहाँ पर फिशिंग करने आते हैं, बिकॉज इसके जस्ट साइड पे ओशन है, ओशियन लगता है विंड फार्म के जस्ट साइड पे। एंड यहाँ पर आके जापानीज पीपल जो है वो फिशिंग करते हैं। एक बार इधर आ जाओ, यहाँ पर आप देख भी लो, थोड़ी सी फिशेज हैं जो अंदर, यहाँ पर पानी थोड़ा सा ही है बट वहाँ पर आपको फिशेज दिख जाएंगी थोड़ी सी। यार ये आप बड़े बड़े स्टोन्स देख रहे हैं मेरे पीछे, एक्चुअली ना ये बनाए गए हैं इन केस अगर यहाँ पर सुनामी आती है, तो सुनामी से थोड़ा बहुत जो सुनामी का प्रेशर है वो स्लो करने के लिए ये वाले बड़े बड़े स्टोन्स रखे जाते हैं। जस्ट अगर आप किसी ओशियन के पास लोकेटेड हैं तो आपको ये देखने को काफ़ी मिलेंगे हेयर इन जापान। एंड यहाँ पर ना जापान में काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था, ये देख लो एक बारी पीछे कितना बड़ा विंड मिल लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था अराउंड मैग्नीट्यूड ऑफ 6, एंड इस एरिया में सुनामी भी आई थी जिसकी हाइट थी 5 meters। बट सुनामी एंड अर्थक्वेक आने के बावजूद भी ये वाला जो विंड टर्बाइन या फिर विंड मिल लगा हुआ है ना, इसको कुछ नहीं हुआ था, विच इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट जापनीज इंजीनियर, बिकॉज इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा गया है ताकि कोई बिग नेचुरल डिजास्टर भी आता है तो वो उसको रिजिस्ट कर ले।
यार ये वाली वीडियो ना इंफॉर्मेटिव तो ज़रूर है, बट ऑन द अदर हैंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस अमंग टूरिस्ट। इसके जस्ट साइड पे बीच है एंड यहाँ पर कामिस प्रिफेक्चर के अंदर और भी बाकी जगह है वेयर टूरिस्ट कम एंड विजिट एंड इंजॉय द जापनीज नेचर एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट हेयर इन जापान। तो यार विद दैट सेड आज की वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वीडियो यू वांट टू वॉच नेक्स्ट। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। विद दिस हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हम अब यहाँ पर बैठ के थोड़ा इंजॉय करते हैं ये वाला व्यू एंड आपको मिलते हैं कल। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। Con tus labios que vale mucho pena, media botella pensando en ti. Lengua sexual y se te nota otro idioma. Media botella pensando en ti, bien borracho en mi cuarto. Yeah.